हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदि योगा संत के चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे धारणा के बारे में कि धारणा होता क्या है। असल में दोस्तों धारणा जो होता है वह किसी भी चीज को धारण कर, जैसे हाथ में जल को थामे रहना धारणा धारण करना है। जिस प्रकार से मस्तिष्क पर मुकुट को रखना धारणा है, उसी प्रकार से किसी भी चीज को अपने मन और मस्तिष्क में रखना धारणा कहना, चाहे वह धारणा पॉजिटिव हो या नेगेटिव। आप पॉजिटिव धारणा को भी रख सकते हैं और नेगेटिव धारणा को भी। दोस्तों क्या आपको पता है कि जब हम बहुत छोटे थे तो हम जब गली से गुजरा करते थे तो बिल्ली रास्ता काटती, और हम यह मान लेते थे कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया है, अब हमें उस पार जाना हमारे लिए ठीक नहीं। यह धारणा हमारे दिमाग में तब आती है जब हमारे से बड़े लोगों द्वारा यह अंधविश्वासी बातें सुनने में आती है, और यह धारणा हमारे दिमाग में इसलिए प्रवेश कर जाता है क्योंकि हम उस समय अज्ञानी होते हैं। यही कारण होता है कि गलत धारणाएं जब बचपन में बन जाती है तो यही धारणाएं जवानी में भी जीवित रहे, कहीं ना कहीं जीवित रहे। यदि उस धारणा को तोड़ने की कोशिश किया भी जाता है और बकायदा बाई चांस यदि उस धारणा को तोड़ दिया जाता है और इनफैक्ट वह घटना घट जाती है तो आदमी का धारणा और पक्का हो जाता है। वह इसलिए हो जाता है क्योंकि जब वह उस धारणा को तोड़ रहा था तब उसके दिमाग में वह धारणा पूरी तरह से नहीं टूटी थी। वह उस धारणा को छोड़े बिना ही उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा, और वह जो घटना घटी उसके ही चाहने से घटी, ना कि उस बिल्ली के रास्ता काटने से। दोस्तों जीवन में बहुत सारे अंधविश्वास ऐसे हैं जो बचपन में हमारे माता पिता आस पड़ोस के लोगों द्वारा सिखा दिया जाता है और वह धारणा हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आज योग के बारे में लोगों ने गलत धारणाएं बना दी है। आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, इससे आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, मन स्वस्थ हो जाएगा, आपको मस्तिष्क की शांति मिलेगी और सब कुछ होगा। ये सब डराने का एक सिलसिला चालू हो गया है, और यह डर इसलिए कायम हो रहा है क्योंकि जो लोग योगा सीख रहे हैं उन लोगों को योग के बारे में नहीं पता, और जो लोग इस कई रोगों से पीड़ित हो गए हैं और लोगों द्वारा दिमाग में सेट कर दिया गया है कि योग से सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी, तो इस प्रकार की धारणा आपके दिमाग को और संक्रमित करती जा रही है, और यही कारण है कि आप संक्रमित होंगे। जी हाँ, क्योंकि योग बीमारी ठीक करने का एक माध्यम नहीं है, बल्कि योग एक संपूर्ण जीवन है। इस जीवन में जो आप धारण करेंगे वही आप सीखेंगे। दोस्तों क्या आपको लगता है कि सिर्फ आसन को तोड़ मरोड़ कर शरीर को फ्लेक्सिबल बना देने से आप स्वस्थ हो जाएंगे, या आपका मानसिक विकास हो जाएगा, या फिर आप मानसिक रूप से समृद्ध हो जाएंगे, या आपके सोचने का लेवल जबरदस्त हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग सही ट्रैक पर नहीं चल रहे हैं। हम सिर्फ यही सोच रहे हैं योग करो और स्वस्थ रहो। जब तक कि आप ध्यान के सीमा तक नहीं पहुंच जाते तब तक आप स्वस्थ नहीं हैं। स्वस्थ रहने के लिए आपको प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, इन तीन चीजों की आवश्यकता भरपूर रूप से लेनी ही होगी, और इन सब का निचोड़ सिर्फ आपको एक योग्य गुरु ही बता सकते हैं जो इस प्रक्रिया से गुजरे हैं, बल्कि वह ट्रेनर नहीं बताएगा आपको, जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए आपको योग सिखाएगा। टांग इधर कर लो, मुंडी उधर कर लो, गर्दन को ऐसे स्ट्रेच करो और कमर को ऐसे स्ट्रेच करो, इससे कुछ नहीं होगा। उन्हें सिर्फ आपको बेवकूफ बनाना है, पैसे कमाना है और निकल जाना है। आपका रोग ठीक हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने आज बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो प्रतिदिन योगा करते हैं लेकिन वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं, वह बीमार है। जब तक वह पार्क में बैठे होते हैं वह मानसिक रूप से ठीक होते हैं, लेकिन जैसे ही आप पार्क से बाहर निकलते हैं और अपने ड्यूटी दफ्तर के लिए कहीं पे भी काम करने के लिए जाते हैं, फिर से वह उस रोग के शिकार हो जाते हैं, तथा शाम होते होते तक कई कुंठाओं और कई अवसादों से घिर जाते हैं और फिर से डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो क्या होगा? योग करने से आप स्वस्थ हो?
जब तक कि आपका आध्यात्मिक विकास नहीं होगा, जब तक आप उन्नति नहीं कर सकते। कई लोग ऐसे हैं जो योगा सुबह सुबह करते हैं, लेकिन भर दिन उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं, कोई गाली दे रहा है, मन शांत नहीं है, वाणी पे संयम नहीं है। क्यों? क्योंकि वह उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, या फिर उन्हें वैसा योग्य गुरु नहीं मिला है जो उन्हें इस लेवल तक पहुंचा सके। तो सिर्फ योग ही हमारे जीवन का महत्व तब रखता है जब हम आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण होते हैं। जीवन के चार स्तंभ हैं दोस्त। पहला है ज्ञान, दूसरा है शारीरिक ज्ञान, तीसरा है आध्यात्मिक ज्ञान और चौथा है सामाजिक ज्ञान। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है आध्यात्मिक ज्ञान। हम ज्ञान, सामाजिक ज्ञान और शारीरिक ज्ञान तक तो पहुंच पाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिस कारण हम अपने जीवन में बहुत तरक्की कर लेते हैं, इतना तरक्की कर लेते हैं, इतना पैसा, इतना दौलत हो जाता है कि जिसका कोई हद नहीं, लेकिन हम मानसिक रूप से शांत नहीं। एक अलग सा दिमाग में, एक दिल में अलग सी बेचैनी होती है, पता नहीं किस बात की बेचैनी होती है कि कुछ करना है, लेकिन उन्हें सही रास्ता और मार्ग नहीं पता होता। तो जब तक आपको अपने शरीर के प्रति ज्ञान नहीं होगा, जब तक आप अपने शरीर के बारे में सही से नहीं जानेंगे, या जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप महसूस नहीं करेंगे, जब तक आप योग के गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, जब तक आप आध्यात्मिक लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे तथा मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकते। मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए आपको अपने जीवन को समझना, अपने अंदर से बीमारी और जीवन के प्रति डर निकालना, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। अन्यथा इसी प्रकार यदि आप डरते रहें तो आपका शोषण होता रहेगा, और जो लोग शोषण करेंगे उन्हें पता है कि आपका शोषण कैसे करना। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो, या इनमें से कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो या दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलें। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, अगर आपको यह वीडियो की जानकारी गलत लगी या बेकार और निराधार लगी तो भी आप कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि मैंने क्या गलती की। जो मेरे पास ज्ञान था वो मैंने आपको दिया। बाकी यदि आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।